गौरम करुणावतारम संसार सारम मुजगेन्द्र हारम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम मुजगेन्द्र हारम सदा वसन्ते हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम। नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल मिजाजे अवध में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त निखिल श्रीवास्तव। दोस्तों, इस समय हम हरिद्वार में हैं। हरिद्वार के ये कनखल स्थान है और यह शिव की ससुराल कही गई। और हमारे सामने आप मंदिर देख रहे हैं, हमारे पीछे ये दक्षेश्वर महादेव का मंदिर है। दोस्तों, सावन की शुरुआत हो रही है और हमने यह तय किया कि हम जितने भी प्राचीन शिवलिंग हैं और ज्योतिर्लिंग हैं उनके आपको दर्शन कराएं। और आइए हमारे साथ दर्शन करिए। दोस्तों, आप देख रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, ये गंगेश्वर महादेव हैं। और गंगेश्वर महादेव द्वीप स्टेट है, दमन द्वीप, उसमें ये समुद्र तट पर ये विराजमान है। और इनको 5 पांडवों ने अपने हाथों से इन्हें स्थापित किया था। और हर 2 सेकंड पर यहाँ समुद्र की लहरें आती हैं, लेकिन मैं बहुत भाग्यशाली ठहरा कि यहाँ पे जब मैं आया तो आज समुद्र शांत है, कोई लहर नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पर बैठ करके पूजा कर रहा हूँ। और यहाँ पर कोई नहीं जा सकता क्योंकि हर 2 सेकंड पर समुद्र की इतनी तेज लहरें आती हैं। और आप दर्शन करते रहिए। जय शिव शंभु, हर हर महादेव। दोस्तों, यह प्रथम ज्योतिर्लिंग बाबा सोमनाथ हैं और आप इनके वर्चुअल दर्शन कर रहे हैं। और बाबा सोमनाथ के दर्शन करिए। और याद आप देख रहे हैं, या माता अहिल्याबाई होलकर ने इसकी स्थापना करी थी। यह भी ज्योतिर्लिंग है और आप इसके दर्शन करिए। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दोस्तों आप दर्शन कर रहे हैं। यह द्वारिका गुजरात में स्थित है और आप जब भी जाइए यहाँ पे दर्शन करिए। देखिए कितने भव्य और दिव्य दर्शन हो रहे हैं। जय बाबा नागेश्वर। दोस्तों, 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग बाबा बैजनाथ धाम झारखंड, और आप दर्शन कर रहे हैं या गर्भगृह के। और हमारे साथ आप बने रहिए, दर्शन करते रहिए। और यह बहुत पवित्र ज्योतिर्लिंग है, यह बहुत शक्तिशाली ज्योतिर्लिंग है। दोस्तों, यहाँ की कथा कुछ इस प्रकार है कि एक बार रावण भगवान शिव से लंका चलने के लिए आग्रह किया तो भोलेनाथ ने एक शिवलिंग दिया और कहा कि इसको नीचे मत रखिएगा, अगर नीचे रख दिया तो मैं वहीं पे विराजमान हो जाऊँगा। तो वह जा रहा था तो उसे बहुत ज़ोर से लघुशंका आई, तो देखा एक गड़रिया चरवाहा चरा रहा है और उसका नाम बैजू था। तो उसको शिवलिंग कुछ देर के लिए थमाया, लेकिन वह इतना भार उसका सह नहीं सका और यहीं पर रख दिया। और जब रावण लौट के आया तो वह चरवाहा वहाँ पे मौजूद नहीं था और शिवलिंग नीचे था। बहुत कोशिश करी उठाने के लिए लेकिन नहीं उठा सका। तो यह वही ज्योतिर्लिंग है, आप दर्शन कर रहे हैं बाबा धाम के। आप दर्शन करते रहिए, हर हर महादेव। दोस्तों, आप दर्शन कर रहे हैं महाकाल के। और महाकाल 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है जो कि सबसे शक्तिशाली है। और उज्जैन में स्थापित यह ज्योतिर्लिंग, यहाँ देश विदेश से लोग आते हैं और यह बहुत ही शक्तिशाली ज्योतिर्लिंग बोला गया है। आप दर्शन कर रहे हैं, हर हर महादेव। नर्मदा नदी के तट पर स्थित यह ज्योतिर्लिंग, जिसे ओंकारेश्वर के नाम से जाना जाता है, और ओंकारेश्वर बहुत शक्तिशाली ज्योतिर्लिंग है। यहाँ पर आदिगुरु शंकराचार्य को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो यह ज्योतिर्लिंग बहुत ही दिव्य और दुर्लभ है और आप दर्शन करते रहिए। दोस्तों, यह सोमनाथ गुजरात का बाढ़ गंगा स्थान बोला गया है। यह समुद्र के अंदर शिवलिंग है। दोस्तों, कहावत है कि इसी जगह से जरा नाम के बहेलिए ने भगवान श्री कृष्ण के पैर में बाण मारा था, इसीलिए इसका नाम बाढ़ गंगा पड़ा। और आप दर्शन करते रहिए। दोस्तों, द्वारकाधीश मंदिर से कुछ दूरी पर स्थित यह भड़केश्वर महादेव मंदिर है,
जो को शिव को समर्पित है, और आप देख रहे हैं बड़केश्वर महादेव के दर्शन कर रहे हैं, या समुद्र के अंदर शिवलिंग विराजमान है और यहाँ पर दूर दूर से लोग दर्शन करने के लिए आते हैं, और बहुत ही दिव्य स्थान है, बहुत रोमांचकारी स्थान है, यहाँ कुछ समय बिताना चाहिए और दर्शन करते रहना चाहिए। और आप जब भी आप गुजरात आएँ तो इस जगह पे ज़रूर आएँ और दर्शन करें, यहाँ पे भव्य नज़ारे हैं और यहाँ पे सूरज अस्त का नज़ारा काफ़ी सुंदर होता है। दोस्तों, सिद्धेश्वर महादेव मंदिर गुजरात के द्वारका में स्थित है, या द्वारकाधीश मंदिर से कुछ ही दूरी पर स्थित है। श्रद्धालु द्वारकाधीश के दर्शन करने के पश्चात यहाँ आते हैं और शिवलिंग पर जल जरूर चढ़ाते हैं। यह बहुत प्राचीन मंदिर है। दोस्तों, यह त्रेता काल की गुफा है और इसमें विराजमान शिवलिंग है। भगवान राम के सेना के सलाहकार जामवंत जी इसी गुफा में रहा करते थे, और आप देख रहे हैं यह प्राचीन शिवलिंग है, इनकी पूजा करते थे। हर हर महादेव। दोस्तों, हरिद्वार में स्थित कनखल, और कनखल वह स्थान है जो भगवान शिव की ससुराल कही गई है, और यहीं पर माता सती रहा करती थी। और यह सामने देख रहे हैं यह हवन कुंड है, और इसी हवन कुंड में माता सती कूदकर अपनी जान दी थी। तो यह बहुत ही प्राचीन स्थान है, और यह दक्षेश्वर महादेव मंदिर है, सामने आप देख रहे हैं। यहीं पर प्रजापति दक्ष का भगवान शिव ने शीश काटा था, बाद में बकरे का शीश लगाकर उनका उद्धार किया था। दोस्तों, आप देख रहे हैं बहुत प्राचीन स्थान है यह बद्रीनाथ का आदि केदारेश्वर मंदिर है, और आदि केदारेश्वर मंदिर वह है यह शिव का स्थान हुआ करता था, भगवान शिव का घर था और यहीं पर भगवान शिव रहते थे। दोस्तों, यह स्थान श्री नारायण को बहुत पसंद आ गया और इसलिए भगवान शिव से यह स्थान उन्होंने मांग लिया, और यहां से भोलेनाथ ने यह स्थान नारायण को देने के पश्चात वह केदारनाथ चले गए और उन्होंने वहां पर अपना निवास बनाया। और यह देख रहे हैं यह बहुत प्राचीन मंदिर, जो लोग वहां नहीं जा सकते वो यहां दर्शन कर सकते हैं। दोस्तों, बाराबंकी ज़िले में यह कुंतेश्वर महादेव मंदिर है, और इसकी कहानी कुछ इस प्रकार है। जब अज्ञातवास के समय पांडव अज्ञातवास अपना काट रहे थे, तब माता कुंती यहाँ पर इसी शिवलिंग की पूजा किया करती थी, और यह बहुत ही प्राचीन द्वापर युग का शिवलिंग है। और आज भी कहावत है, मंदिर बंद होने के पश्चात गुप्त रूप से माता कुंती यहाँ पर पूजा करने आती हैं, जो कि यहाँ पे पूजा करने के निशान सुबह जब मंदिर खुलता है तब मिलते हैं। दोस्तों, लोधेश्वर महादेव मंदिर या बाराबंकी ज़िले में है और कुंतेश्वर महादेव से कुछ दूरी पर स्थित है। कहावत है, अज्ञातवास के समय पांडवों ने इस शिवलिंग की स्थापना करी थी, और यहाँ पर कांवरियों का तांता लगा रहता, साल भर यहाँ दूर दूर से लोग दर्शन करने आते हैं, और यहीं पे पास में पारिजात वृक्ष भी है। कहावत यह भी है कि पारिजात के पुष्प माता कुंती कुंतेश्वर महादेव में शिवलिंग को समर्पित करती थी, इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र से स्वर्ग से लेकर यह वृक्ष आए, और इस जगह पे अर्जुन ने इस वृक्ष की स्थापना करी, और आज भी यह वृक्ष आप देख सकते हैं वहाँ जाकर, और आप लोधेश्वर महादेव के दर्शन करिए। यह बहुत ही दिव्य चमत्कारी शिवलिंग है, आप इसके दर्शन करते रहिए, यहाँ लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। दोस्तों, आप ज्योतिर्लिंग और प्राचीन शिवलिंगों के आप दर्शन कर रहे हैं, और आप दर्शन करते रहिए, और अभी तक अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइए ताकि आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और दोस्तों, मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। हमारे साथ बोलिए पार्वती पतये हर हर महादेव। हे शिव शंकर, हे करुणाकर, हे शिव शंकर, हे करुणाकर, सुनिए अरज हमारी। हे शिव शंकर, हे करुणाकर।
सागर से पार उतारो